हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब मस्त होंगे। मैं हूं नीरज, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। सो गाइस, आज मैं बात करने जा रहा हूं प्रूनिंग की। दिसंबर एंड होने को है और जनवरी स्टार्टिंग को है, तो इस टाइम से हम लोग प्रूनिंग करना स्टार्ट करते हैं यहां पर। और फार्मिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट भी आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसी से ही हमारे फ्रूट्स जो होंगे उसका शेप जो डिपेंड करता है वो इस प्रूनिंग पे ही करता है। क्योंकि अगर हम प्रूनिंग नहीं करेंगे तो जो हमारे फ्रूट्स होंगे उनके शेप बहुत छोटे छोटे होंगे। तो आपको पता ही है कि मार्केट में छोटे फ्रूट और जो बड़े आकार के फ्रूट हैं उनके प्राइस में कितना डिफरेंस है। तो इसीलिए प्रूनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसे कटाई छटाई भी बोलते हैं। तो गाइस, अभी हम करने जा रहे हैं प्रूनिंग। अगर आप लोग को भी सीखना है या फिर कुछ अगर आपके भी घर में कुछ प्लांट हैं तो आप भी इसी तरह से प्रूनिंग कर सकते हैं। तो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ और करते हैं स्टार्ट। लेट्स गो। सो गाइस, ये रहा छोटा सा एक प्लम का पेड़। और सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस पेड़ में हम एंटर कैसे करेंगे, क्योंकि अभी तो ये छोटा पेड़ है तो इतनी दिक्कत नहीं है। बाद में ये जब बड़ा पेड़ हो जाएगा तो इसमें एंट्रेंस हम कैसे करेंगे, ये सबसे पहले देखना है। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि हमें एंट्रेंस करना है यहाँ से। तो सबसे पहले हम इस ब्रांच को काट देंगे ताकि एंट्रेंस एकदम खुला खुला हो और अंदर बाहर कर सके। तो एक आप देख सकते हैं यहाँ पर है ब्रांच, इसको भी हम कट कर देंगे। और एक ये है, इसे भी। और जो ये आप देख रहे हैं मोटा वाला, इसको भी हम अभी कट करेंगे। ये जो भी ब्रांचेस आ रहे हैं ये अंदर की साइड आ रहे हैं, तो हमें ब्रांचेस जो भी करने हैं ये बाहर की साइड करने हैं। जैसे कि ये अभी यहाँ से इसमें सूख आ चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ से ये जो है इसमें सूख पकड़ चुकी है। तो अभी हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। और इसमें एक और जो ब्रांचेस निकली है इसको भी हम कट करेंगे, क्योंकि हमें ये मेन ब्रांचेस चाहिए। इस मेन ब्रांच को हम लेके चलेंगे आगे। एंड गाइस, एक ये रही, इसे भी हम कट कर देंगे ताकि एक ही ब्रांच को हम लेके चलें। यहाँ से कट करेंगे ताकि इसमें स्पेस भी हो जाए और हम इजीली अंदर एंटर कर सकें। सो गाइस, अभी आप देख सकते हैं कितना खुला खुला हो चुका है यहाँ पर इस पेड़ पे, और यहाँ से हम इजीली एंटर कर सकते हैं अंदर। सो अब हम चलते हैं इस वाले ब्रांच पे। ये जो आप देख रहे होंगे, ये जो अंदर की साइड को ब्रांच आई हुई है इसे भी हम कट कर देंगे। और सेकंड जो है इसे भी, और गाइस इसे भी हम कट करेंगे। और अब रहा गाइस ये वाला, तो इसे हम ज़्यादा आगे पीछे ऊपर नीचे से नहीं काट के इसको बस यहाँ से एक शेप दे देंगे। ये आप देख सकते हैं। सो गाइस, अभी आप देख सकते हैं इस पेड़ को। इसमें जो नेक्स्ट हम ये करेंगे, जो ये अंदर की साइड को ये जो ब्रांचेस आए हुए हैं इन्हें हम कट कर देंगे। ये जो ब्रांचेस हैं यहाँ से इसे, तो यहाँ से एक ब्रांचेज आएगी इसमें भी, यहाँ से
एंड इसे भी हम कट कर देंगे, इसे भी हम कट कर देंगे, इसे हम कट करेंगे, और यहाँ से हम इसे कट करेंगे, आप देख सकते हैं आधी कटिंग हो चुकी है इसकी। अभी इस ब्रांच को भी हम काटेंगे एंड इसे भी हम कट कर देंगे। और गाइस से आप देख सकते हैं यहाँ से हम कट करेंगे ताकि यहाँ से एक ब्रांच आए इसमें, और इस तरह से तो गाइज ये एक पेड़ है बड़ा सा प्लम का, तो इसमें मैं प्रूनिंग करके दिखाऊंगा आपको। ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है और ऊपर तक इसमें पूरे ब्रांचेस गई हुई हैं, तो इसे मैं अभी प्रूनिंग करके दिखाता हूँ आपको। गाइस जो नए नए ब्रांच आए हुए हैं इसमें, इनको भी बिल्कुल कट कर देना है, इन्हें बिल्कुल नहीं रखना है।
तो ये रहा गाइस, जो बड़ा वाला पेड़ है उसकी प्रूनिंग की थी मैंने, पुलम की। ये आप देख सकते हैं इस तरह से। हाँ सो गाइस, अभी मैंने आपको दिखाया कि प्लम की प्रूनिंग कैसे की जाती है। और ये आप जो मेरे पीछे पेड़ देख रहे हैं, ये है नाशपाती का पेड़। और ये नाशपाती का पेड़ आपको मैंने जो वीडियोस दिखाई हैं उसमें बताया था कि कितने बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तो इनमें थोड़ा टफ रहता है प्रूनिंग करना। मैं कोशिश करता हूँ आपको प्रूनिंग करके दिखाऊँ इसकी। तो चलते हैं और करते हैं स्टार्ट।
सो गाइस, ये देख सकते हैं आप कितनी हाइट है इस पेड़ की। नाशपाती का पेड़ है जिसमें मैंने अभी प्रूनिंग की है। सो गाइस, अभी मैंने आपको दिखाया कि कैसे प्रूनिंग की जाती है इन पेड़ों की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।